राजन तो तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस सड़क पर इन तेज दौड़ती हुई गाड़ियों को देख रही हो? इन्हें देखकर महसूस होता है कि शहर में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी कितनी तेज रफ्तार से जीते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भी तेज भागना चाहता हूँ, जिंदगी की इस दौड़ में इतना तेज भागना चाहता हूँ कि यह सारी दुनिया मुझसे पीछे रह जाए। इंसान को कुछ बनने के लिए ऊंचा जरूर सोचना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम ओवर एम्बिशियस हो, न जाने क्या क्या सोचते रहते हो। सोचता इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, एक बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत चल बनना है। तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशी मिल जाए और तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बन जाओ। लेकिन तुम कितने बड़े बन जाओ मुझे कभी मत भूलना। ज्योति, मैं जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा, जो कुछ भी बनूंगा, तुमसे अलग रह कर नहीं, मेरी कामयाबी की हर मंजिल पर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो। वाह, आज भैया पास हो गए ना, इसीलिए माँ ने इतना अच्छा खाना बनाया है। वैसे महीने में एक ही बार ऐसा खाना खाने को मिलता है जिस दिन डैडी की पगार होती है, और उस दिन मेरे को कैडबरी भी मिलती है। बेटे, ग्रेजुएट तो हो चुके हो, अब क्या करने का रहता है? आप जो चाहते हो वो तो कभी नहीं होगा, मतलब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो तुम नौकरी नहीं करोगे? क्या होगा नौकरी से, आदमी की जिंदगी एक टैक्सी बनकर रह जाती है। मैं हवाई जहाज की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, नाम इज्जत शौहरत मुझे सब कुछ एक साथ ही चाहिए। क्या मिलेगा इस नौकरी से, 1,000, 1,500, ज्यादा से ज्यादा 2,000? मैं पूरी जिंदगी इसी तरह इस घर में नहीं सड़ना चाहता हूँ डैडी। तो करोगे क्या? कुछ भी कर लूंगा। आखिर कुछ का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हवा में सपनों की पतंग उड़ाना छोड़ दे बेटा, जिस दिन कटेगी ना सीधा जमीन पे आ जाओगे। आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? आपने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, मगर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे? आपके जमाने में लोगों का दिमाग बैलगाड़ी की स्पीड से चलता था, लेकिन आज का दिमाग कंप्यूटर बन गया है डैडी। इसीलिए तो घर घर में बेकारी है, काम करना तो जानते नहीं, घर भर की लंबी जबान चलाना जरूर जानते हो। वक्त आएगा तो वो भी करके दिखाऊंगा। बॉम्बे में पैसे पर लगा के उड़ते हैं, मगर उन्हें कोई पकड़ने वाला चाहिए। राजन, तुझे इस तरह पिताजी से बात करते हुए शर्म नहीं आती? फोकट का खाना मिल रहा है इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बाहर जाकर कमाएगा तो पता चलेगा आटे दाल का भाव, समझे? माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मानते बेटे, जितना तुम पिताजी को जानते हो उससे कहीं ज्यादा मैं उन्हें जानती हूँ। बहुत उम्मीदें हैं उन्हें तुम पर, सबका पेट काट काट कर तुम्हें पाला है, तुम्हें अगर ऐसी बातें करोगे तो। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि पिताजी मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। जब मैं सना को बस में, समीर को पैदल और गुड्डी को ट्रेनों में धक्के खाते हुए देखता हूँ ना, तो मेरी जान जल जाती है। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, पैसा। चल बेटे, चुपचाप खाना खा ले। तूने खाना नहीं खाया ना, तो किसी ने भी खाना नहीं खाया। क्या को देखा, मर गई ना? अभी टाकी में देखो, मच्छियों में कोई कमी नजर आई? दूसरी निकाल, चल अभी ठंडा फोड़।
बच्चे को देखो, मर जाएगी ये। टाकी में तो देखो, मच्छों में फिर कोई कमी नजर आई नहीं ना? जाने लोग, कुछ समझ में आया है? समझ में आया कुछ? सबकी सब मच्छी एक साथ मर गई ना? अरे गैंग वॉर में एक एक नल काटने से कुछ नहीं होता। अरे सीधा टाकी फोड़ दो ना, है? भाई को ले डालो, चल जा, जा। किससे मिलना है? जलील भाई से मिलना। क्या काम है? पर्सनल काम है। ठीक है। तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि मैं अभी तक जिंदा हूं, और इससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि जिस आदमी को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था वो एक बेजान लाश की शक्ल में यहां पड़ा है। उसका अंतिम क्रियाकर्म मैं कर दूं या लाश को पार्सल करके तुम्हारे घर भेज दूं? क्या बात है बेटी, इतनी उदास क्यों है? कोई खास बात नहीं है माँ, मैं सोच रही थी कि मैं भी पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी सी नौकरी कर लूँ। ये क्या पागलपन की बातें कर रही है, फटाफट नाश्ता कर और कॉलेज जा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ माँ, घर का खर्च ही कितनी मुश्किल से चलता है, ऊपर से मेरी पढ़ाई लिखाई। माँ तुम्हारी दिन रात मेहनत करना, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अरे पगली, थोड़े ही दिनों में तो तेरी शादी होने वाली है। राजन के मम्मी डैडी कह रहे थे कि राजन की नौकरी लगते ही वो तुझे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। नमस्ते माँ। देख वो भी आ गया, अब तू ही समझा इसे, कह रही है मैं नौकरी करूंगी। माँ ये क्या कह रही थी, तू नौकरी करना चाहती है? देख ज्योति, इस नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा है, तू आराम से पढ़, प्यार से पढ़, मैं हूं ना तेरे लिए। शादी के बाद मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। पैसे बिना तो झूठा जग का प्यार है सजनी।
मुझको इनकार है सजनी, पैसे बिना तो झूठा जग का प्यार है सजनी। मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार की सजना, सारी दुनिया मैंने तुझ पे वार दी सजना। प्यार के रस्ते के दौलत दीवार है सजनी, से बिना तो झूठा जग का प्यार है सजनी। मेरे प्रियतम, मेरे बालम, मेरी जानू, मेरी जानम, मेरे बालम, मेरी जान। अरे भाई पत्ता फेंकना यार, कितनी देर सोचेगा। देख सत्या, मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली फिर भी खाली बैठा हूं। सोचा कि पुलिस में भर्ती हो जाऊं, मगर वहां भी पैसे लगते हैं, वसीला लगता है। सोचा कि आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, मगर तू तो हमारे घर की हालत जानता है सत्या। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे यहां तक पढ़ाया है। तेरे को मालूम है एक दिन मैं तेरे को स्कूल में क्या बोला था कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और मेरे साथ चल? तब तुम लोग मेरे पे बहुत हंसे थे हैं? अब देख मेरे को, देख मेरे को, तू क्या नहीं है मेरे पास? कार, टीवी, फ्रिज, वीडियो, एयर कंडीशन, सब कुछ है मेरे पास। और तेरे पास क्या है? क्या है? पढ़ाई करो। और चल चल, मुंह लटकाने से कोई फायदा नहीं है, आगे खेल, तेरा भी बंदोबस्त कर दूंगा दो तीन दिन में। अरे खेलना है यार, बस रे बस रे बस, इधर चालू रख, हम लोग आते हैं। अरे तू अंदर क्या बैठा है, चल ना। कहाँ ले जा? अरे चल तो सही यार, बताता हूँ, चल। सलाम भाई। क्यों रे, सेठ किधर है तेरा? ए कमती सुनाई देता है क्या तेरे को? क्या पूछा मैं, सेठ किधर है तेरा? ए लेके जा सबको, सेठ से मिला। चल आ जा, आ अयो आप पटेल जी, ठंडा लाओ रे। अरे ठंडे का नाटक छोड़, अब क्या ये दिन आया क्या हम लोग को इधर आना पड़ता है? तू हफ्ता दिन नहीं आ सकता है क्या? सॉरी। अरे क्या, चल मार निकल, मार निकल। मैं तो आने वाला था। और देख आइंदा अगर हम लोग को आना पड़ा तो मालूम है ना क्या होगा? चला जा, तेरे को रंगीन नहीं दिखाता। सत्या, सत्या, मैं नहीं आऊंगा यार। क्या बच्चों जैसी बात है, समझा कर यार। तू क्या हुआ सच्ची? अच्छा देख, मैं जरा अक्का के पास जाके ऊपर से हफ्ता लेके आता हूँ। ठीक है। अब सुन, मेरे को आने में थोड़ा देर हुआ, फिक्र मत करना क्या। हे याकूब, चल रहे मेरे साथ। अरे आशा, अक्का है क्या? ऊपर है। रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या बात है बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही हो? ए सेठ, मेरा बेटा तेरी मिल में काम करता था, वो मर चुका, उसके पैसे का क्या हुआ? मैं हजार बार तेरी ऑफिस आ चुकी, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। मैं आज कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें अपने से देना होगा, मैं अपने से लेके आऊंगी। ठीक है ठीक है, जो कुछ भी है तुम्हारा कल ऑफिस में आके बात करना। इस तरह रास्ते में गाड़ी रोकने क्या मतलब है? चलो ड्राइवर। ए सेठ, मेरे सब बच्चे भूख से मर जाने के बाद। मैं भी आता हूँ। Thank you.
कौन है बेतू? सेठ, उस बेचारी गरीब औरत के पैसे क्यों नहीं दे देते? क्यों दूं? तेरी माँ लगती है क्या? मेरे पैसे दे दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। साहब आप कुछ बोलिए। हाथ क्यों लगाता है यार? धक्का क्यों देता? मैं सेठ से बात कर रहा हूँ। औरत को हाथ क्यों लगाता है? मेरा और मेरे दोस्त राजन का एक मिल मालिक से लफड़ा हो गया। नहीं नहीं, दो चार घाव मारे खाली। हाँ, लगता है वो अभी हॉस्पिटल में। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग एक काम करो, वो वारस रोड वाले अड्डे पे जाके छुप जाओ। जब तक सेठ हॉस्पिटल में है तुम बाहर दिखाई नहीं देना, समझ गया? राणा भाई का छोकरा नहीं लगता, क्योंकि राणा भाई के सब के सब छोकरे एक नंबर के सड़क चाप हरामी हैं। क्यों? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या उन छोकरों के चेहरों पर लिखा हुआ है कि वो सड़क चाप हरामी हैं? आज तक मेरे सामने बहुत सारे मर्द नंगे हो चुके हैं, मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ कि कौन सा मर्द समंदर के पानी का है, दरिया के पानी का है, गटर के पानी का है। तू ये सब छोड़ना, ले पीना। मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं है, बियर है, बियर। अरे शर्मा तक काहे को है, ले पी पीना। पहले घुट में जरा तकलीफ होती है, बाद में आसानी से अंदर चला जाता है, ले और पी। तू राणा भाई का आदमी है, तेरी सेवा करना अपुन की ड्यूटी है। तू तो बहुत चिकना है रे, तेरे पे तो बहुत सारी लड़कियां मरती होंगी। एक बात पूछूं, तू कभी किसी छोकरी के साथ में सोया नहीं क्या? क्या भैया आ गए? माँ माँ दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये क्या कर रही हो माँ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। रात भर था वहां जा। माँ मैं राजन हूँ। मर गई तेरे माँ, यही दिन देखने के लिए तुझे बड़ा किया था। ऐसे औलाद होने से तो औलाद का ना होना चाहिए। क्यों रो रही हो माँ? दरवाजा तो खोलो।
बात पर कहा था तू? कहा गया था? बोल 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 बोल, बोल कहा गया था बेशरम? तुझे अपने माँ बाप का, भाई बहन का, किसी का ख्याल नहीं क्यों? माँ, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। मैं रात भर उसी के साथ था माँ। झूठ बोल रहा है तू। बेटे, तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, कहां जाता है, क्या करता है, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा। तुम अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। लेकिन बेटे, इतना याद रखना, तेरी मां तेरे बगैर नहीं रह सकती। कम से कम फोन तो कर दिया होता। ए सत्या, अरे तू सुन, वो अपना एक बाल भाई है ना, उसकी बहन की शादी है, आज रात को उसके बंगले पे जाने का है। तेरा वो फ्रेंड है ना? कौन, राजन? हाँ, राजन है उसका नाम। अरे वही, वो जो सेट के साथ में लफड़ा खेला था। हाँ वही। सुन, एक काम कर, उसको भी साथ में ले आना, तो सेट उधर आएगा, वही मॉन्टली करवा दूंगा। अच्छा जी। अरे तेरे को बोला था ना पक्का, राजन डेयरिंग बात चुक रहा है। क्या साला, एसी ऑन नहीं है क्या? एसी ऑन करवा, ऑन करवा, चल। हाँ राना, क्या बोल? तू बोला था ना छोकरे को मिलाने का था, राजन। हाँ वो महाराज जिसको। हाँ ए पक्का, क्या बात है राना? वो लंबा सरीका सेठ आया क्या? आया नहीं, आने वाला है। ए सुन, तू बिठा इसको, मैं कराता हूँ। और अपने सब पुलिस स्टेशन के सब लोग नहीं आए? फोन तो कर दिया था, सब आते ही होंगे। ये तेरे को भूला ना एसी ऑन कराने का, चल कमती हो। अच्छा बैठ, पिएगा? नहीं। अब जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो खास राणा जी की फरमाइश है। सलीम, डांसर को दे दे। कौन है वो? कालिया घुंघरची बाल वाला ना, योगेश्वरी का शाना है वो। देख, वो घासलेटी सूट वाला है ना, सीबीआई का है। सीबीआई समझता है ना, सेंटर। ये सब लोग राणा का काम करते हैं, राणा इनका काम करता है, चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा, अपना काम हो जाएगा ना? हाँ। तू फिक्र क्यों करता है यार, राणा से मिल लिया ना, अब तो मर्डर भी किया तो तेरे को छुड़ा लेगा वो। जजमान, इस लड़के की तो दादर में डिस्पेंसरी है, इसलिए यहाँ से हिल नहीं सकता। अगर आप चिराग लेकर ढूंढें तो ऐसा लड़का मिल नहीं सकता। और मांगता ही क्या है, केवल 50,000 रुपए। 50,000? सिर्फ 50,000, राधे श्याम सीताराम। जजमान, ये तो आपकी कन्या के सितारे यात्रा पर नहीं गए, वरना आजकल डॉक्टर लड़कों का भाव लाखों में चल रहा है, लाखों में। जजमान, आपकी बेटी राज करेगी, राज। आप केवल 50,000 का इंतजाम कीजिए और बात पक्की, राधे श्याम सीताराम। पचास हजार? तेरे को 50,000 चाहिए? देख, हम लोग का क्या है मालूम, जितना पैसा हमारी जेब में होता है ना, वो ही हमारा बैंक बैलेंस है। अरे अपना क्या है, आज कमाया कल खर्च डाले। हाँ वैसे तेरे को 2,000-4,000 रुपया चाहिए तो अपने पास है, ले जा यार। नहीं यार सत्य, 2,000-4,000 से कम नहीं बनेगा। क्यों? यानी कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ, बहन की शादी करनी है, 50,000 की जरूरत है, लड़के वालों की मांगे पूरी करनी है। ठीक है, मैं चक्कर चला। कल तो कुछ नहीं कर रहा ना? नहीं, 4:30 बजे मेरे घर आ जाना। ठीक है, डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सत्या। बहुत बढ़िया राणा, आज तो मजा आ गया, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे आज। सुनो, अखा बॉम्बे का लाइब्रेरी को अपनी कंपनी का एक एक केसेट चेक करने का, जो नहीं ले साले का लाइब्रेरी तोड़ दो, बंद कर दो लाइब्रेरी। चलो निकल। ठीक है। अच्छा काय सत्या, कसा काय? बस ठीक है राणा। क्यों बे दुनिया,
मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ? बहुत उड़ी मार रहा तू, लगता तेरी समझ में कुछ जास्ती आ गया। मंगता तो समझाऊं तेरे को? नहीं राणा, मेरे को मालूम था कि वो आपका आदमी था। नहीं तो तू उसको मार डालता क्या? राणा घर से चलो क्या इसको? नहीं रे, पेंट तो गीला कर दिया, चला कॉलेज का दादा बनने। दोबारा तेरा कंप्लेंट आना नहीं मांगता, नहीं तो फट डालूंगा। चलवा कैसे? चल फट। किधर है तेरी पार्टी? क्यों बे, तू इसके 5 लाख रुपए कब देगा? राणा मैंने 1 महीना नो टाइम जोइए। राणा दो महीना दिया, 1 महीना मेरी तरफ से, और 2 महीना के ऊपर 1 दिन भी नहीं होना चाहिए। और सुन, ये तेरे घर नहीं आएगा, तू पैसा इसको पचाएगा। चौकस चलेगा? हलन दो। चलो अभी कमती हो जाओ, चलो। ए, इसी ओन नहीं है क्या? है ना, 3 बेटे भिजवा दे, तेरा काम हो जाएगा। ओके ठंडा खोल, बोल बार क्या? ये ना ना वाली वाला फ्लैट खाली करवाया था ना, और जो जोगेश्वरी का भैंस का तबेला खाली करवाया था ना, बिल्डर ने उसका बाकी पैसा भिजवाया। सुन ये बंडल वो पाटिल साहब को दे देना, बहुत दिमाग खा रहे है, कम से कम रेट तो बंद होएगा। ए सत्या, इधर क्या बेटा? इधर इधर। हाँ यार। इधर बैठ। बोलो। सुन वो जो चेंबूर वाला फ्लैट है ना, खाली करवा लेना, उन लोग का सामान फेंक के अपना ताला लगा देना, समझ गया? ठीक। और वो धंधे वाले लोग से पैसा वैसा ले लिया ना? हाँ वो तो सुबह ही ले लिया, जमा भी करा दिया उधर। थैंक यू। और कुछ? और हाँ ये राजन इधर आना। अरे सुन, और कोई मैटर तो नहीं है ना आज? राणा ये मेरा दोस्त है राजन, मेरी ही बिल्डिंग में रहता है, 6 नंबर खोली में। क्या है कि इसकी बहन की शादी है, तो उसको कुछ 50,000 रुपया चाहिए था, तो मैं बोला तू ही आके राणा को मिल ले। और ये वही छोकरा है ना जो धनराज के केस में था? हाँ हाँ वही वही। ये ले। हाँ बोल रहा, आज शाम तक हो जाएगा तेरा चेंबूर वाला फ्लैट, किसी को भी भेज देना। चाहते ना, मैं निकलता हूँ। ओके थैंक यू। राणा इतने सारे रुपए, वो भी एक अनजान आदमी को? मैंने पैसे नहीं दिए, बल्कि खाली लाइटर में गैस भरी है जो एक दिन हमारे लिए चलेगा। ऐसे क्यों देख रहे हो भैया? मैं तुम्हें किसी और रूप में देख रहा था। क्या बात है माँ, आज बहुत परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है बेटे, कुछ नहीं। तो फिर ये उदासी किस बात की? तुम्हें हमारी फिक्र कब सोने लगी? आपने मुझे कभी कुछ समझाई नहीं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में कुछ हुई नहीं। तो क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारी बहन की खुशियां 50,000 में हमें मिल रही है, जो हम लोगों के पास नहीं है, वो दे सकते हो तुम? बस 50,000 रुपए, इतनी छोटी सी बात है माँ। अरे अपनी बहन के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, ये 50,000 रुपए क्या चीज है? ये लो, ये लो पूरे 50,000। लो माँ ये असली है। ये इतने सारे रुपए कहां से लेके आया? मुझे तो कुछ शक सा लगता है। नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा गरीब के घर इतना पैसा अचानक आ जाए तो लगता है लक्ष्मी किसी चोर दरवाजे से तो अंदर नहीं घुसी है। नहीं माँ, ये रुपए मैं किसी दोस्त से उधार मांग कर लाया हूँ,
कौन देगा तुम्हें इतने रुपए उधार? पिताजी, आपके लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में इतने रुपए कभी देखे ही नहीं। लेकिन जिनसे मैं ये रुपए लाया हूँ उनके लिए तो ये पान खाकर थूकने के बराबर है। लेकिन इतने रुपए वापस कौन करेगा? डैडी, इस घर की कुछ जिम्मेदारियां आप मुझ पर भी तो छोड़ दीजिए। अरे ये राजन सर क्या कर रहा है यार? आजा आजा बैठ जा गाड़ी में। अरे सतीश कहाँ जा रहा है? अरे तू बैठना गाड़ी में, चल बैठ जा। शाबाश बैठ जा। कहाँ जा रहा है यार? अरे तू देखना यार। यहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक छोटा सा मैटर है, फ्लैट खाली कराने का। चल चल तेरे को भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। चलो भाई लोग, चलो भाई लोग उतरो। चलो हाँ चलो, चल संभाल के चले। अरे राजन तू यहीं ठहर, मैं जाके फ्लैट खाली कराता हूँ। जैसे सामान बाहर फेंको ना, तू जाके ताला मार देना। ताला कहाँ है? ये ले, ये ले चाबी, ये ले चाबी। जरा शांत पड़े से दोस्त। कोई नहीं, चल रे सामान फेंकना चालू कर। ए, ये भी था। सत्या, वो फ्लैट को बराबर से ताला लगा दिया ना, कोई लफड़ा तो नहीं ना? वो क्या है राना, वो हम लोग उधर गए थे फ्लैट को खाली कराने को, लेकिन उन लोग ने कुछ भाड़े के गुंडे बिठा रखे थे। अच्छा? हाँ, और हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। हम लोग तो ऐसे ही गए थे, कुछ तैयारी व्यारी नहीं थी, हथियार वत्यार कुछ नहीं था। अच्छा, और फिर हम लोग तो खाली 4 जन थे, उन लोग 8 लोग थे, 8-10 लोग। अच्छा हाँ, और यानी पहले से मालूम होता तो हम लोग भी जाते ना तैयारी के साथ। पहले भी तो ऐसे कितने फ्लैट खाली कराए हम लोग ने। अच्छा 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 अच्छा। सत्या एक काम कर, ये जो पेड़े हैं ना, वो जो बाहर पंटर लोग खेल रहे हैं ना, उनमें बांट दे। और सुन, जो पूछेंगे ये पेड़े किस खुशी में, तो बोल देना तुम लोग कितने बहादुर हो, भाग कर चले आए वरना पिट जाते। और सुन, 26 जनवरी के दिन मेरे को याद दिला देना, मैं तुम सब लोग को एक बहादुरी का मेडल दे दूंगा। चलो, एक छोटा सा काम नहीं होता तुम लोगों से? राणा के साथ काम करते हो या फॉल्स रोड की भड़वागिरी करते हो? है? एक फ्लैट खाली नहीं होता? अरे साला राणा का बिल्डिंग खाली करा देगा, अच्छा बॉम्बे खाली करा देगा। चलो स्कीम मा का। ये उस फ्लैट की चाबी है जिसको खाली करने के लिए आपके आदमी गए थे, अब वहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं उस फ्लैट पर ताला लगा कर आ रहा हूं, और वो जो पालतू कुत्ते वहां बिठाए गए थे वो अपना इलाज किसी अस्पताल में करा रहे होंगे। ए, सुनो, शाबाश शाबाश शाबाश। रख 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 रख। नहीं राणा, आपके मुझ पर बहुत एहसान है, मुझे तो खुशी है कि मैं आपके कुछ काम आ सका। सत्या तेरा फ्रेंड।
रख ले, रख ले। अरे ये बख्शीश नहीं है, तेरी बहादुरी का इनाम है। राणा का दिल बहुत बड़ा है, जो भाग गया दिल में समा गया, और जो खटक गया दुनिया से सटक गया। चल जा, रख, जा। ए सत्य, तेरा दोस्त छोकरा काम का है? तेरे को याद है मैं एक दिन पैसे दिए था और तू मेरे को बोला काहे को अनजान छोकरे को इतना पैसा दिया, और मैं तेरे को बोला मैं पैसा नहीं दिया, मैं खाली लाइटर में गैस भरा हूं जो एक दिन मेरे लिए जलेगा। जला ना, हैं? मान गया राणा साहब। मानता है? चल ठंडा खोल। ज्योति, ज्योति कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये 10,000 रुपए है, मैंने इतने सारे पैसे सिर्फ एक ही घंटे में कमाया है। एक घंटे में? हाँ ज्योति, सिर्फ एक घंटे में। अब मुझे पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है ज्योति, अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो गए। मैंने तुमसे कहा था ना ज्योति कि तुम्हें जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योति, आज के बाद मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सभी आराम से जिएंगे। क्या भाव चल रहा है? 25 का डाल रहे। ठीक है, ये राणा भाई का थिएटर है क्या? यह अपन लोगों का राज चलता है। चल पतली गली में चाय पीते, चल 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 दीपो, तू भी चल। देख ड्रिंक करके जीना पड़ता है क्या? ए मद्रासिया, चल जा तेरा। देख चल चाय पी, चाय पी, चल निकल ले, चल। देख मैं तेरे को क्या बोल रहा हूं, आज रेड पड़ने वाली है, अपने आदमियों को खबरदार। रेड? ए मद्रासिया, हवा जनों को चाय पिला। ए अनिल बच्चन, कितने टिकट है तेरे पास? 25। तब मुद्दल के भाव में निकाल दे, चल। ठीक है। और बच्चन, दो पिल्लू लोगों भेज, चल। ठीक है, चल जल्दी, चल ना। ये लो साहब, बोल देना रेड में दो ही आदमी मिले थे, चलो निकलो, चलो। और साहब को बोलना शाम को आके मिलता हूँ, समझे ना? राजन, ब्लैक के धंधे में पहले जैसे मजा नहीं रही यार। ये तो अमिताभ बच्चन की फिल्म लग गई, इसलिए थिएटर फुल है। आज तो नोट ही नोट है दोस्त। या मस्का मार के सैंडविच बनाना पे, चल चल डबल मस्का। ये बोल ठंडा, बहुत सॉलिड है ना, क्या बोल रहा यार, बराबर है ना, क्या पिक्चर लगी बड़ा। ठंडा तो अच्छा है, मगर देख थोड़े लोग तो नहीं आए। जरा ठीक से नजर रख, तू जा धंधे पे ध्यान दे, चल। पिक्चर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना? मैं भी आया। तुम यहाँ? हम लोग तो यहाँ पिक्चर देखने आए थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं दोस्तों के साथ आया था। अच्छा तुम? ज्योति एक मिनट। हाँ क्या क्या बोलता है? बहुत अच्छा चल रहा है भाई, धंधा बराबर। हाँ बहुत अच्छा। बाकी ये छोकरे लोग किधर है? सब लोग इधर ही होंगे भाई, सवेरे तक हम लोग ने 20 का भाव रखा था, अभी 50 कर दिया है। बहुत ज्यादा पब्लिक भी आ रही है भाई। अच्छा अच्छा, बाकी के छोकरे इधर ही होंगे। क्या फटाकड़ा है? क्या भाई, मैं समझा नहीं आप। ए सुन, तेरा माल है क्या? तू तो वापरा होगा, रात को बंगले पे लेके आना है, मैं भी सब लेके आना, समझ गया?
राणा अपना सतिया ये टेबल खाली करो चलो चल निकल हटा रे चले बोतल उठा चल ये ग्लास भी ले चले एसी ऑन नहीं है क्या ये एसी चालू करने के बोल पर राणा आया राणा सतिया फॉर्म में है ना सलाम राणा क्या बैठ 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 क्या रे सतिया तू तो यार झकास डांस करता है रे अरे नहीं ऐसे ही तेरे को पिक्चर में भर्ती करा दूं गोविंदा का छुट्टी करेगा क्या राना क्या बात है यार घोड़ा चुपता यार बोल डांस करेगा पिक्चर में नहीं 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 मजाक इसकी मां का ऐसी नमस्ते भाई अदर को क्या बोला था कुछ काम बोला था तेरे को भाई बोल भाई एक रात वो माल मेरे साथ सो जाती तो तेरा क्या जाता दिखा क्या बढ़ रहे तेरी बहन लगी है क्या राणा एक छोकरा लोग टपका डाल तेरे को राजन राजन भाग भाग राजन भाग भाग जा छोड़ रहा मेरे को छोड़ दो राजन किधर छुपा के रखे अपने बेटे को हाँ ए तुम लोग देखो अंदर कहाँ है तेरा भाई किधर है जानते अपन लोग कौन है राणा का आदमी है अपन लोग से दुश्मनी लगा तो नल्ला पानी निकाल डालेगा उसका समझा अंदर नहीं है वो अंदर नहीं है ना तो वो छोकरी के घर पर होगा चलो चलो ढूंढते हैं उसको चलो यार राजन रात के अंधेरे में जगह काफी सलामत लग रही थी लेकिन दिन के उजाले में बात ही कुछ और है लेगा नहीं यार सत्या थैंक यू मेरे ख्याल से अब ज्यादा देर यहां रहना सेफ नहीं अब घर भी नहीं जा सकते पुलिस में भी जाकर कोई फायदा नहीं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ लेकिन ठीक है यार जो भी होगा देखा जाएगा जिस दिन अपने जान पे बनेगी ना उस दिन अपन चुप नहीं बैठेंगे बच्चों जैसी बात मत कर राजन 40 जंगली कुत्तों का सामना एक शेर भी नहीं कर सकता समझा अब हमारे पास एक ही रास्ता है जलील भाई उनसे जाकर मिलते हैं लेकिन सत्या वो तो हमारा दुश्मन है दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है समझा शाहरुख इनका सोशल क्लब में रहने का बंदोबस्त कर दो लेकिन भाई आपने यकीन कैसे कर लिया कि ये लड़के हमारे काम के हो सकते हैं इसमें इनकी चाल भी हो सकती है सुल्तान जलील भाई इस शहर का कौन है भाई भाई बड़ा भाई भले जलील भाई ने स्कूल या कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ी लेकिन उसे लोगों के चेहरे पढ़ना आते हैं यही वजह है कि वो आज इस कुर्सी पर बैठा है ये दोनों छोकरे बहुत सच्चे हैं लेकिन एक बार इनको आजमा कर तो देख लिया होता भाई। इससे बड़ी आजमाइश और क्या हो सकती है कि ये दोनों राणा को मार कर आ रहे और ऐसे छोकरे हमारे धंधे में बहुत काम आते हैं मैं उसके घर को गया वहां भी नहीं मिला साला थका दिया साले ने ये राजन का भाई है ना हाँ वही लगता है ए सुन अबे बहरा है क्या ये टपोरे सुनना अरे तेरा भाई है चूहों की तरह बिल में जाकर घुस गया मिलेगा तो उसको बोलना कि सामने मर्दों की तरह आए इजड़ा साला इजड़े तो तुम लोगों जो गैंग में आके लड़ते हो मर्द कहलाते हो तो मेरे भाई से अकेले अकेले आके लड़ो क्या बोला इजड़ो अरे राजन राणा के आदमी लोग तेरे भाई को मारे ले राजन वैसा छोड़ दो मुझे
मुझे छोड़ दो। बैठ बैठ। मुझे छोड़ दो। तेजा, अपने राजन ने गौतम को उठाकर बंद कर दिया है। क्या, किस जगह पर? 11 नंबर के बिल्डिंग के संडास में। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, नहीं, मुझे माफ कर दो। ऊपर वाले को याद कर साले। नहीं, नहीं, चलो। जिस लाइटर में मैंने अपने हाथों से गैस भरी थी वो आज मेरे ही घर को जला रहा है। लगता है इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। भाई, राणा और राणा का छोकरा लोग ने अपना ऑफिस और थिएटर को तोड़ डाले भाई। ना, तेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। हाँ राणा। ओ तेजा है ना, आजकल साला बहुत फजक रहला है। एक काम कर, चले उसका फजकना जरा बंद कर दे। चल, हो जाएगा। Thank you.
तेजा तेजा चलो हॉस्पिटल चलते। भाई भाई बहुत बुरी खबर है, राणा के आदमियों ने तेजा पर फायरिंग की है, वो साइन हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे कोई हथियार चाहिए। भाई पागलों जैसी बात मत करो, पहले हम अस्पताल चलते हैं, राणा से बाद में निबट लेंगे। नहीं भाई आप अस्पताल जाइए, मुझे कोई हथियार चाहिए, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ भाई। आप मुझे मत रोकिए जलील भाई, तेजा के सीने में मेरे हिस्से की गोलियां लगी है, मैं तेजा के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तू उसे ढूंढने कहां जा रहा है, क्या वो तुझे रास्ते में मिल जाएगा? मैं जानता हूं कि तेरा खून गर्म है, तुझमें हिम्मत और ताकत है, लेकिन सिर्फ हिम्मत और ताकत से जंग जीती नहीं जाती, उसके साथ साथ अकल का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तेजा की मौत का बदला तो हम लेंगे, आ मैं तुझे सिखाता हूं कि गैंग वॉर कैसे लड़ा जाता है। हेलो सांता क्रॉस पुलिस स्टेशन। हाँ पाटिल साहब, राणा का एक आदमी है फिलिप्स, वो मेरे एक आदमी पर कातिलाना हमला करके फरार हो गया है, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, किसी भी तरह से उस फिलिप्स को गिरफ्तार कर लीजिए। तेरा रोज रोज का नाटक बहुत बढ़ गया, चल देखता हूं मैं तुझे। सीरियस है, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ओके सर। मैं भी कितना शाना निकला, जेल में वो ड्रामा किया, नहीं तो अपना आज टिकट कट गया होता। शांतपति करता था, तू पाताल में भी छुपेगा ना तो भी अपन तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत चिल्लाया था तू लॉकअप में, आ अब चिल्ला चिल्ला। ए बार क्या बोल राजन, तुझे याद है एक दिन तू सत्या और मैं राणा के डर से छुपे हुए थे? हाँ, हाँ? क्या तुम लोग बिल्डिंग में छुपे थे और राणा के आदमी शहर में ढूंढ रहे थे? बार क्या, मैं कल के और आज के फर्क के बारे में सोच रहा था। कल तक हम लोग दूसरों के डर से छुपते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया
हमारे डर से छुपती है, राजन के डर से छुपती है। अब से जुर्म की दुनिया में राजन के नाम का सिक्का चलेगा और राजन जुर्म की दुनिया का बादशाह कहलाएगा। भाई भाई आपसे कोई मिलना चाहता है। अंदर भेज दे। मेरा नाम सक्सेना है। और आप HMV रिकॉर्डिंग कंपनी के मैनेजर? जी हाँ। बोलिए। हमारी कंपनी ने एक नई सिंगर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक म्यूजिकल शो अरेंज किया है, इसमें हम आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, हजारों लोगों के बीच में बैठकर गाना सुनना राजन की शान के खिलाफ है। आप उदास मत होइए, क्योंकि शो एक नई सिंगर का है इसलिए मैं जरूर आऊंगा। हीर बदल लेते हैं।
चलो। ज्योति, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, आसमान में उड़ रहे हो, तुम्हें क्यों फिक्र होने लगी कि जमीन पर क्या हो रहा है और आज किस बात का हक जताने आए हो? तुमने कभी ज्योति के बारे में सोचा है कि वो तुम्हारे बिना किस हाल में जी रही होगी? खैर, मेरी तो छोड़ो, तुमने कभी अपने माँ बाप भाई बहन के बारे में सोचा है? वो कैसे जी रहे होंगे, किस हाल में होंगे? तुम बहुत बदल गए हो राजन, तुम वो राजन नहीं रहे। ज्योति, ज्योति, हेलो, किसका फोन था? पता नहीं, लाइन कट गई। हेलो, कौन? समीर? राजन भैया। हाँ समीर, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। गुड्डी कैसी? एक मिनट बात करो माँ। हेलो, हेलो भैया, क्या कर रही थी तू? मैं सना को पढ़ा रही थी भैया। माँ कैसी? माँ भी बहुत अच्छी है, मुझे दे दे। हेलो। हाँ माँ। राजन बेटा, कैसा है तू? ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहा है बेटा, बोल। इतने दिन हुए तुझे देखा नहीं बेटे। हाँ, बोल बोल। सब ठीक है? सब ठीक है। खाना वाना ठीक तरह से खाता है ना? हाँ माँ। अपना ख्याल रखना बेटे। मैं अपना ख्याल रखूंगा, अब भी अपना ख्याल रखना। तुझे देखने को जी तरस रहा है बेटे। पिताजी कैसे हैं माँ? अच्छे हैं। बात करोगे? एक मिनट। वो क्या है बेटे? मैं जानता हूं माँ, वो मुझसे बात नहीं करेंगे, नाराज है ना वो मुझसे। माँ सना कैसी है? अच्छी है बेटे, बात करोगे उससे? सना बेटी आ जाओ। हेलो बेटा। हाँ भैया, मैं सना बोल रही हूँ, आप तो हमें भूल गए भैया। नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर ये भी याद है ना कि कल मेरा बर्थडे है? हाँ, अच्छी तरह से याद है। आओगे ना भैया? हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा। जरूर आना भैया, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। अच्छा बेटा, बर्थडे के लिए मैं तुम्हारे लिए कौन सा गिफ्ट लाऊं? ढेर सारे खिलौने लाना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। देखो भैया, जब तक तुम नहीं आओगे ना, तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। बेटा, मैं खुद अपने हाथों से केक कटवाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बेटा। बाय। राजन, यू आर अंडर अरेस्ट, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे गिरफ्तार करने आए तो आपके पास मेरी गिरफ्तारी का वारंट भी जरूर होगा, और मैं आपको आपकी ड्यूटी बजाने से रोकूंगा नहीं, मगर इस वक्त मुझे जहां जाना है वहां मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, कल मेरे बंगले पे प्लीज आ जाइए, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। तू अपने आप को समझता क्या है? तू कोई एमएलए, एमपी या कोई मिनिस्टर है जो मैं तेरे बंगले पर आ जाऊं? इंस्पेक्टर साहब, राजन ने अपनी जिंदगी में किसी से रिक्वेस्ट नहीं की है, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, कानून जुर्म को रोकने के लिए बनाया गया है, मुजरिम को छोड़कर जुर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम नहीं, आज मैं एक इंसान की हैसियत से आपसे सिर्फ एक दिन की मोहलत मांग रहा हूं। मैंने अपनी छोटी बहन से वादा किया है कि मैं उसके जन्मदिन पर जरूर आऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज। तुम गुंडा लोग का भी कोई माँ बाप भाई बहन होता है? अरे तुम लोग तो न जाने किस गटर का पैदावार है। अपनी जबान संभाल कर बात कर, अगर मुझे इस वर्दी का लिहाज नहीं होता तो इसी वक्त तेरी जबान काट कर टुकड़े कर देता। अब तक जो तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था वो राजन का पहला रूप था,
राजन का दूसरा रूप तेरे जिस्म से वर्दी उतार कर तुझे नंगा भी कर सकता है। होल्डर, ले जाओ उस साले को अंदर। चलो बेटे, बहुत देर हो चुकी, वो अब नहीं आएगा। यू अपने मेहमानों को कब तक इंतजार करवाओगी? आओ चलो, आ जाओ। नहीं, जब तक राजन भैया नहीं आ जाते मैं केक नहीं काटूंगी, नहीं काटूंगी। एक केक लाना। अच्छा सर। लीजिए केक। हैप्पी बर्थडे सना। शुक्रिया वामन साहब। डीसीपी साहब से बात करो। हेलो। यस सर। ओके सर, आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, उससे ज्यादा का ये एक जोड़ी जूता पहनता है। अपनी औकात में रहो वरना मुसीबत में आ जाओगे। भैया आप कैसा? ठीक हो भैया? भैया यहां बेटा। कैसी बेटा तू? क्यों नहीं आए? वो बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी काम था ना, इसलिए नहीं आ सका। मुझसे भी जरूरी? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब मैं तुम सबको अपने नए बंगले ले जाऊंगा। अब हम इस पुराने घर में नहीं रहेंगे बेटा। चलो तैयार हो जाओ। आई लव यू बेटा। चलो माँ, हमारे नए बंगले। माँ, हमारे गरीबी के दिन अब दूर हो गए। चलो मां जल्दी करो। कितनी लाशों पर बनाया है रे तूने ये नया घर। बेटे, तुम्हारे उस नए घर की नींव बारूद के ढेर पर और दीवारें बेईमानी पर खड़ी है, और घर का रंग है ना, उस पे खून के लाल धब्बे लगे हुए हैं। उसमें तो हमारा दम घुट जाएगा बेटे। और ये हमारा घर जो मंदिर की तरह पवित्र है, जिसमें तुम्हारे पिताजी की मेहनत और ईमानदारी बसी है, हम लोग उसमें सुख शांति और चैन से जी रहे हैं। हमसे हमारा सुख चैन और शांति मत छीनो बेटे। डैडी, माँ ये। बेटे, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि दुनिया में उनका बेटा कोई ऐसा काम करे जिससे उनका सर ऊंचा हो, लेकिन तुमने तुम्हारा सर नीचे कर दिया। परसों तुम्हारी बहन गुड्डी की शादी है, कहीं उसके ससुराल वालों को यह पता चल गया कि उसका भाई कौन है, तो उस बेचारी का घर पस्ते से पहले ही उजड़ जाएगा।
देखा बेटे। राजन भैया, राजन बेटे, राजन भैया, मैं आऊं। बहन की शादी है, भाई तो जरूर आएगा। के कितना मजा आएगा ना, एक तरफ बहन की शादी का हवन जल रहा और दूसरी तरफ भाई की चिता। एक काम करो, तुम लोग शादी के हॉल को जितने भी रास्ते जाते हैं उधर सब तरफ अपने आदमी लगा दो, इस बार वार खाली नहीं जाना चाहिए। यार सत्यम, गुड्डी की शादी है, जाना तो जरूरी है। हाँ। और यह बात सभी को पता है, कोई ना कोई इस बात का फायदा जरूर उठाएगा, मगर मैं नहीं चाहता कि ऐसे शुभ मौके पर किसी भी तरह का लफड़ा हो। या राजन, हाँ? जहां तक मेरा ख्याल है एक ही इलाज है। क्या? भेष बदल कर चलते हैं। लालच ने आखिर ये कैसा वक्त दिखाया है, भाई बहन की शादी में लोग भेष बदल कर आया है। यू नामचीन बनने से तो अच्छा है दौलत ना होती, ये आना भी क्या आना है, कहने को फर्ज निभाया है। दौलत है क्या, दौलत है क्या एक बहन की चाहत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। गाड़ी रोक, दूसरी तरफ तक। ठीक है, जा।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। तुम्हें बिल्डिंग में घुसकर बाबलिया को मारने की क्या जरूरत थी? वो साल आज नहीं तो कल बाहर आता तो हम उसे देख लेते। अब इस केस को लेकर बंबई की सारी पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई है। सुनो राजन, कुछ दिनों के लिए तुम यही अंडरग्राउंड रहना और जब तक मैं ना कहूं तब तक यहां से बाहर नहीं निकलना, समझे? चलो। तूने क्या सोचा था कि इस लाइन में आने के बाद तू दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा? लेकिन सच तो यह है राजन कि आज तू बहुत ही छोटा और कमजोर आदमी बनकर रह गया। तुझे नाम तो जरूर मिल गया लेकिन तेरी जिंदगी छिन गई। आज ना तू आजाद घूम सकता है ना खुली हवा में सांस ले सकता है, क्योंकि तेरे हर कदम पर मौत की नजर है, तेरे हर सांस पर बात का पैरा है। सलाम भाई। सलाम भाई। बैठो ना भाई। नहीं राजन, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं मेरे साथ चलना है। अरे क्या बात है भाई, इतने दिनों के बाद बाहर ले जा रहे हो, पुलिस वुलिस का लफड़ा पड़ गया क्या? राजन, आज हमें जहां जाना है वहां वक्त हमारा इंतजार नहीं करेगा। भाई आप इतने सीरियस क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? तुम जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दम घुट गया था अंदर। कितने रोज के बाद बाहर निकला हूं भाई। कहां जाएंगे भाई हम लोग? भाई वो मामला तो पटा दिया होगा ना आपने? भाई क्या बात है, आप एकदम चुप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, कहां लेकर जा रहे हैं आप मुझे? हम लोग कहां जा रहे हैं भाई? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? अरे ये भाई, ए कहां जा रहे हैं हम लोग? हाँ भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? बोलिए भाई, हम लोग जा कर रहे हैं? गाड़ी रोको। ये तो मेरा मोहल्ला है, यहां गाड़ी क्यों रोक दी? दुश्मन
मत के सामने इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने भाई मैंने फैसला किया है कि यहां से चला जाऊं। हां मैं भी यही सोच रहा था कि फिलहाल तुम 10-15 दिन के लिए दुबई हुआ हो, वहां तुम्हें आराम भी मिलेगा और दिल का बोझ भी हल्का होगा। नहीं नहीं भाई, मैं 10-15 दिन या महीने के लिए बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए इस जुर्म की दुनिया को छोड़ने की बात कर रहा हूं। हां भाई मैं अंधा हो गया था, लेकिन अपनी मां की चिता को जलते हुए देखकर मेरे आंखों के सामने जो अंधकार छाया हुआ था उसमें फिर से रोशनी आ गई। आज मैं सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूं। वो यादें, वो पुराना घर, वो अपने दोस्त यार, वो छोटे छोटे मासूम भाई बहन, वो प्यार, ये सब कोई मुझे आवाज देकर बोल रहे हैं कि राजन तू कहां खो गया था, किस दुनिया में चला गया था, तू वापस आ जा। और भाई मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं उस दुनिया में वापस जा रहा हूं, वही मेरी मंजिल है और वही मेरा सब कुछ। राजन मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह समझता हूं, जिस पुल को पार करके तुम यहां तक पहुंचे हो वो पुल अब पुल नहीं बल्कि बारूद का ढेर बन गया है, जिसे अब पार करना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और अगर तुमने उसे पार करने की कोशिश भी की तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये पुलिस, ये सोसाइटी, ये दुश्मन तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, हर जगह शैतान की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। राजन वापस जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहां मुझे क्या मिल रहा है, यह पैसा, यह दौलत, यह शौहरत, किस काम का यह पैसा जिसने मुझे मेरे मां बाप, मेरे भाई बहन और मेरी प्यारी ज्योति से अलग कर दिया। क्या करूंगा मैं इस पैसे का, कैसे बिताऊंगा मैं अपनी जिंदगी उन सब के बगैर। नहीं जलील भाई, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी एक जिंदा लाश बन गई है और मैं जीना चाहता हूं जलील भाई। मैं जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जा रहा हूं भाई। राजन अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, हाँ सिर्फ इतना कहूंगा कि होश और जोश में बड़ा फर्क होता है। इस वक्त तुम जो कुछ भी कह रहे हो जोश में कह रहे हो, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं होश में बोल रहा हूं, और जिस दिन तुम होश में आओगे अपने आप वापस आ जाओगे। राजन ये जो दुनिया है ना बहुत जालिम है, ना खुद चैन से जीती है और ना ही किसी को चैन से जीने देती है। बस मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। हाँ उस साले ने मारा, ठीक है पकड़ लिया उसको। आप
मैंने इसे जेब काटते हुए पकड़ा है। क्यों बे साले, पॉकेट मारता है? इतना मारो साले को, किसकी पॉकेट मारने का हमें छूट जाए और दोबारा कभी हिम्मत भी ना करे। अरे राजा साहब आप आइए, आइए आइए प्लीज बैठिए आइए। हवलदार साहब के लिए ठंडा लाओ। राजा साहब पहले ये बताइए आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? अरे आपने कह दिया होता तो मैं आपके बंगले पे आ जाता। अच्छा ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब दरअसल बात यह है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। राजन भाई आपको गिरफ्तार करके मुझे अपनी बदली करवानी है क्या? अब प्लीज मजाक मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब ये मजाक नहीं, ये मेरा फैसला है और जिंदगी का हर फैसला इंसान अपने फायदे के लिए करता है। मैं अपने आप को कानून के हवाले करके चैन की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आप प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है। अरे राणा भाई, राणा भाई आप यहां? आना पड़ा, वो राजन आजकल तिलक नगर पुलिस चौकी में बंद है। तुम लोग एक काम करो, पुलिस चौकी के बाहर कुछ भी लफड़ा करो, किसी को भी मारो, अपने आप को लॉकअप में बंद करवा दो और मौका मिलता है उसको ऊपर का टिकट दे दो, समझे? ठीक है। चल रे एसी फुल कर। क्या बोलता है भाई, अपन साले इस होटल वाले को धोड़ डालते। एक बार अपन इस पुलिस स्टेशन में आया था, इससे अपन ने ठंडा पानी मांगा तो इसने अपने को गर्म पानी दिया। अबे नहीं भाई, नहीं यार बिड़ू, ये हवालदार को फोड़ डालते चलना। अरे बाबा होश की बात कर, क्यों पंगे में डाल रहा है? अंदर ले जाकर ऐसी धुनाई करेगा तेरी कि तू अमेरिकन से अफ्रीकन बन जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाय, ये मेंढक को फोड़ा ले। हाँ, 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 चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे भाई, मैं तो मेरे बर्थडे पे जा रहा हूँ। से हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आती है तो लोग कुर्बानी का बकरा ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं, मगर यह तो खुद सदके का बकरा बनकर कसाई के पास पहुंच गया है। सुनो, तुम लोग कुछ भी काला कांडी करके राजन के लॉकअप तक पहुंच जाओ। हो सकता है कि राणा के आदमी उसे खत्म करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन एक बात याद रखो, राजन हमारा खास आदमी है और उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। हां, क्या लफड़ा किया? लफड़ा और मैं है? एक तो मैंने जूते खाए, वो भी आपके पुलिस स्टेशन के सामने। क्या तुमने उन्हें छेड़ा था? साहब एक बार आप इन्हें ठीक से देख लें, क्या ये छेड़ने लायक है? तो फिर कोई पुराने दुश्मन ही? मेरी फटी हुई किस्मत ही मेरी दुश्मन है। ये टोपी वाले ए, क्या है? कुछ नहीं, स्कोर क्या हुआ? किसका? इंडिया का स्कोर कितना हुआ? एक विकेट डाउन। हरिओम हरिओम, शुक्र है भगवान का, एक आग तो बच गई। हाय रे मेरी किस्मत,
न जाने आज सुबह किस गधे की शक्ल देखी थी। हाय मालिक, अरे हवलदार, हवलदार साहब, सबके लिए पुरजी पाव लेकर आओ। अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ तेरे को? सर आज के शारजा के मैच में ऑल द विकेट्स डाउन। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों लड़ रहे हो आपस में? हवलदार, इन सबको अलग अलग लॉकअप में बंद कर दो। राजन, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि तुम अकेले नहीं जी सकते। आओ मेरे साथ। नहीं भाई, अब आपके और मेरे रास्ते एक नहीं है। मैंने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया। तुम्हारा यह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस रास्ते के हर मोड़ पर पुलिस, कानून और समाज तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। देखिए भाई, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं उन सबसे लड़ लूंगा। कल जो लॉकअप में तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद भी जानते हो क्या हो सकता था? मेरा तो कुछ नहीं होता जलील भाई, राणा के छोकरों की हड्डियां टूट जाती। यह तुम्हारी एक और गलतफहमी है जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। खैर, समझाना मेरा फर्ज था, माना या ना माना तुम्हारा काम है, लेकिन आज के बाद जलील भाई तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। खुदा हाफिज। समझ में नहीं आता ज्योति, क्या बात करूं, कैसे बात करूं? बहुत तकलीफ दी है ना मैंने तुम्हें, बहुत सताया ना तुम्हें। मैं जानता हूं ज्योति, बहुत रोई होगी तुम। मैं भटक गया था ज्योति, दौलत और शोहरत की लालच ने मुझे पागल बना दिया था। अपने नाम के अंधेरे में खो गया था मैं ज्योति, और भूल गया था कि इस दुनिया में मेरे लिए उजाला भी है। ज्योति, मैं इस अंधेरे से घबरा गया हूं। अगर कुछ दिन और इस अंधेरे में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। ज्योति, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आज मुझे अपना लो ज्योति, क्योंकि आज मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आया हूं। हमेशा हमेशा के लिए ज्योति। खान साहब, तुम्हारे कुछ मालूम पड़ा क्या? राजन के कंधे से जलील भाई का बिल्ला उतर चुका है। हाँ हाँ, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। भाई के सहारे साला बहुत उड़ी मारता था, और एक टाइम उस साले ने मुझे गाली भी दी थी। लेकिन अब तो आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा लो उस साले को और खूब मारो, सारे पुराने केसेस खोल दो।
दादा बनता है, मेरा ट्रांसफर करवाएगा है? अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। बोल बोल, गौतम को किसने मारा? बोल साले, बोल बोल। फिलिप, फिलिप को खुद मैंने किया, गौतम को भी मैंने मारा। जलील भाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनको जानता तक नहीं, मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर। भाई राजन को बचा लो भाई, पुलिस टॉर्चर कर रही है भाई, वो मर जाएगा भाई। भाई मालूम है, मालूम है, उस बेवकूफ ने गुनाह कबूल करने का टेप रिकॉर्डर ऐसा ऑन कर रखा है कि बंद ही नहीं होता, और अगर उसका ये टेप रिकॉर्डर बंद नहीं हुआ तो वो गया कम से कम 15 साल के लिए अंदर। शायद राजन को यह नहीं मालूम कि ये पुलिस वाले एक बार जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसे छोड़ते नहीं है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो। मगर तू नसीब वाला है राजन कि जलील भाई अब तक तेरे साथ है और तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा। वकील साहब। हाँ भाई। उसकी जमानत के लिए कुछ करो। राजन भाई ने भेजा है, कल कोर्ट में तुम्हारी जमानत करवानी है। नहीं वकील साहब, मैं चाहता हूं कि मुझे यह सजा हो जाए। इस सजा से मेरे पापा का प्रायश्चित हो जाएगा और शायद उसके बाद मुझे एक नई जिंदगी मिल सकती है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या समझते हो तुम्हें साल या 2 साल की सजा होगी? तुम पर स्मगलिंग, लूट, मर्डर का केस है। अगर तुम्हें सजा हुई तो सारी जिंदगी जेल में चक्किया पीसते पीसते सड़ जाओगे। एक तो तुमने गुनाह कबूल करके अपने आप को मुजरिम साबित कर दिया, अब बचने का एक ही रास्ता है कि कल तुम कोर्ट में जाकर ये बोलोगे कि मुझसे पुलिस ने जबरदस्ती मार मार के ये बयान लिया था। राजन भाई सुना, आपने क्राइम छोड़ दिया, आपने 4 मर्डर किए फिर भी बाइज़र भरी हो गया, अब आपका क्या इरादा है? जन्म से क्या कहीं से आया भाई? जी बहुत देर से प्लीज बंद जी, नहीं मुझे कुछ नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। ये तो सही है, नहीं मैं कुछ नहीं जानता। राजन गाड़ी में बैठो। राजन यहां आओ। राजन मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाने आ रहा हूं। यह क्या है? डोसे का स्टॉल और ये केले का ठेला, ये शरबत की दुकान और यहां जूते पॉलिश होते हैं। मगर जलील भाई आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा इससे क्या लेना देना? इसलिए कि जो मैं देख सकता हूं वो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। देखो ये हार, ये फूल, ये गुलदस्ते, ये सब तुम्हारे स्वागत, तुम्हारे खैर मकदम के लिए यहां लाए गए थे। ये तो खुदा का शुक्र है कि हम ठीक वक्त पर यहां पहुंच गए और वो सब देखते ही हमें भाग गए, वरना कोर्ट से निकलते ही आज तुम्हारा काम तमाम हो जाता। देखो राजन, जिद की भी एक हद होती है, और क्या समझता है तू अपने आप को खुदा, जो अकेला सारी दुनिया से टक्कर लेगा? देख राजन, मैं जानता हूं कि हम में रहकर तू खुश नहीं है, और सच पूछ तो हम में से कोई भी खुश नहीं है। तू क्या समझता है कि मैं जिंदगी से खुश हूं? नहीं मेरे भाई, लेकिन फिर भी हम सबको एक दूसरे के साथ रहना है, क्योंकि हम चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देख राजन, हम सब जंजीर की कड़ी की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी जंजीर को लोग हमारी कंपनी कहते हैं, हमारी गैंग कहते हैं। अगर जंजीर की एक एक कड़ी अलग हो जाए तो ना तो कड़ी की कीमत होती है और ना ही जंजीर की, और कोई भी राजन या जलील भाई से नहीं डरता। अगर डरता है तो उनकी कंपनी से, उनकी गैंग से।
राजन, हमारा तो धंधा ही ऐसा है कि या तो मार दो वरना खुद मारे जाओगे। इसीलिए लोग हमसे डरते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, प्यार से नहीं डर से। राजन, हमारी गुनाहों की दुनिया एक ऐसी दलदल है कि इंसान इससे जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। इसलिए अगर तुम्हें जीना है, तुम्हें जिंदा रहना है, तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, फिर भी फैसला तुम्हारे इख्तियार में है। ये जुर्म की ऐसी दुनिया है जहां तूफानों में साहिल है, इस चक्रव्यूह में जो आया फिर बाहर जाना मुश्किल है। और आंखों में उसका दिल है, सच पूछो तो दुनिया वालों वो खुद ही अपना कातिल है। भाई ये बोलता राणा का छोकरा, बचते वार किया, क्या करने का इसको, लुटका डाले क्या इसको? चल रजत भाई, रजत भाई मुझे बचाओ, रजत भाई उन लोग मेरे बैल को छेड़ रहे थे, इसके लिए मैंने राणा का छोकरा को तरवार वार किया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे रजत भाई, वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे, प्लीज मुझे। तूने राणा के छोकरे को मारा, उस पे वार किया ना, तो जाके उस छोकरे से और राणा से दोनों से माफी मांग ले, चल जा। राजन भाई मैं उससे माफी मांग जाऊंगा, तू लोग मेरा खून कर देंगे राजन भाई। देख ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम लोगों के पास जा, माफी मांग, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, मगर मैं तेरी इस मामले में बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। जा माफी मांग लो। मैंने आपका बहुत नाम सुना था राजन भाई, मैं सोचा था आप बहुत बड़े बहादुर है, मैं आपके पास आऊंगा आप मेरे को बचा लेंगे, मगर मेरे को यह नहीं मालूम था कि आप खुद डरपोक है। टैक्सी वाले भाई रोकिए भैया, जरा भिंडी बाजार चलोगे? बैठो बहन जी। बारकिया को टैक्सी की चाबी नहीं बल्कि मौत की चाबी दी थी, क्या सोचकर यह फैसला किया था तूने? राजन, मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि तू अब वो राजन नहीं रहा, वो साला दो टके का आदमी जो राणा के छोकरे को मारकर तेरे पास मदद के लिए आया था, वो तुझे गालियां देकर चला गया और तूने कुछ नहीं किया। क्या चाहता है तू कि मेरी कंपनी में कोई भी बाहर का आदमी नहीं आए और मेरी कंपनी के सारे छोकरे बाहर चले जाएं? भाई मैं चाहता हूं कि हम सब आजाद हो जाएं, तंग आ गया हूं मैं ऐसी जिंदगी से, आप ही बताइए कब तक चलेगा यह सब। देख राजन, जब तूने कंपनी छोड़ने का फैसला किया था तो मैंने बिल्कुल दखल नहीं दिया क्योंकि यह तेरी अपनी जिंदगी थी, लेकिन तुझे दूसरों की जिंदगी के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है। और मेरे होते हुए तूने ये फैसला किया कैसे? अभी जलील भाई जिंदा है। भाई वो मेरा दोस्त था। लेकिन वो मेरे लिए काम करता था और तू भी मेरे लिए काम करता है। मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पर चढ़ बैठे। मुझे बारकिया की मौत का बिल्कुल अफसोस नहीं, अफसोस है तो सिर्फ इस बात का
कि मुझसे पूछे बगैर तूने उसे धंधे से निकाल दिया। तू अब भी मेरे काम का आदमी है, इसलिए तेरी गलती माफ करता हूं। मगर ध्यान रख, जिस दिन मुझे यह महसूस हुआ कि तू मेरे काम का आदमी नहीं है, उस दिन मैं तुझे समझाऊंगा नहीं, तू खुद ब खुद समझ जाएगा। जानती हो ज्योति, हम लोगों की जिंदगी एक शेर की जिंदगी की तरह होती है। कहने को तो वो राजा होता है, मगर उस बेचारे को अपनी पूरी जिंदगी जंगल के ही दायरे में जीनी पड़ती है। जैसे ही वो उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लोग या तो उसे मार देते हैं या फिर पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। हमको भी बिल्कुल इसी तरह अपनी जिंदगी अपने छोटे से दायरे में जीनी पड़ती है। जैसे हम इस दायरे से बाहर आने की कोशिश करते हैं, या तो मारे जाते हैं या फिर पुलिस पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है। बस यही खत्म हो जाती है हम जैसों की जिंदगी। ये तुम्हें क्या हो गया है? भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ज्योति, आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। राजन, तुम लोग आपस में झगड़ा करने की बजाय समझौता क्यों नहीं कर लेते? इस दुनिया में लड़कर कभी कोई रास्ता निकला है? और अगर निकला भी है तो सिर्फ प्यार से, समझौते से। सिर्फ प्यार से, समझौते से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? समझौता तो हो ही नहीं सकता। मेरे और राणा के बीच में जो दुश्मनी है, वो सिर्फ राणा की मौत से ही खत्म हो सकती है। मौत से दुश्मनी खत्म नहीं होती, दुश्मनी बढ़ती है जलील भाई। एक रोज आप ही ने तो कहा था कि यहां पर कोई भी खुश नहीं है, सब लोग यहां से निकलना चाहते हैं। जलील भाई, यह समझौता हमारी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखा सकता है। जो बात हो ही नहीं सकती राजन, उसके बारे में बहस मत करो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जलील भाई। इस लड़ाई को आप राणा की मौत से खत्म करना चाहते हैं, उस लड़ाई में आपकी भी तो जान जा सकती है। इस धंधे में आते ही सबसे पहले इंसान को अपने अंदर से मौत का खौफ दूर करना होता है। अगर जान की परवाह होती तो आज मैं इस धंधे में ही नहीं होता। अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं होती तो आप अपनी जान की हिफाजत के लिए इतने सारे लोगों को अपने साथ नहीं रखते। देखिए जलील भाई, अब बहुत हो चुका है, ये लड़ाई बंद कर दीजिए। हाँ, लड़ाई खत्म हो सकती है मगर एक शर्त पर। वो राणा का बच्चा मेरे पास आकर, मेरे सामने झुककर, मेरे पैरों पर सर रखकर माफी मांगेगा तो। ठहरो राजन। जाओ। वहां से लेके यहां तक मेरे छोकरे लोग ने तेरे को इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मेरे को सुनने का है। तू मेरे से क्या बात करना चाहता है? देखो राणा, मैं यहां पर आपसे कोई झगड़ा करने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपका और जलील भाई का समझौता हो जाए। जलील से कॉम्प्रोमाइज? तू कोई नया प्लान बना के आला क्या? नहीं राणा, इसमें कोई भी प्लान नहीं है। मैं वाकई में चाहता हूं कि आप दोनों का समझौता हो जाए। ठीक है, मैं तेरे जलील से मांडुली करने को तैयार हूं, लेकिन वो दाढ़ी मूछ मुंडवा के, साड़ी पहन के, हिजड़े की तरह मेरे सामने डांस करे, 25 पेटी मेरे को दे, फिर मैं उसके साथ मांडुली करता हूं। बोल। ठीक है, जलील भाई को आपकी हर शर्त मंजूर है। चिरी उसकी। आप सिर्फ एक बार उनसे मिल तो लीजिए। ठीक है, तो मेरे को बोलना किधर आने का है, मैं आता हूं। चलो चलो, जाने दे इसको। मिलता हूं मैं उस जलील को भी। Thank you.
दिखाई दे तो जलील के छोकरे लोग को घसीट डालना। घसीट डालोगे राणा? वो जलील की औलाद किधर है? अगर कोई गड़बड़ लगे तो शुरू हो जाए। जो हुकुम भाई। होशियार रहो। जी अच्छा। बैठे जली भाई। आप दोनों को यहां बुलाकर एक साथ बिठाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप दोनों पिछली बातें भूलकर आपस में समझौता कर लें। वो सब ठीक है, समझौता तो मैं कर सकता हूं लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। इससे कहो कि मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगे। तूने इसको समझाया नहीं क्या है? ये क्या उल्टा सुल्टा बकरेला? ये पागल हो गया के चरस का दम मार के आयला। मैं इस हिजड़े से माफी मांगू? तेरे ऊपर तरस आ गया था इसलिए पैरों पर सरकने के लिए कहा, वरना सोच कर आया था तुझसे अपने पैरों की ज्योति चटवाऊंगा, उसके बाद तुझे माफ करूंगा। मैं तेरे को जूता पहनने के लायक छोड़ता तब ना? मैं तो पहले से ही सोच लिया था तेरे को लुढ़का डालता हूं। काना भाई जरा, जब ये मेरे से मांडुली के लिए रिक्वेस्ट किया था तो मेरे को लगा तू अंदर से खत्म हो गया है, टूट गया है। फिर तेरे से काय का टशन? सोचा था अपने आदमी लोग से तेरी दाढ़ी मूछ मुंडवा के तुझे माफ कर दूंगा। फटी हुई चड्डी और बनियान पहनकर तू जिस दारू के अड्डे पर चने बेचा करता था राना, उस एरिए से आज भी हफ्ता आता है मुझे। माना के तू हनी भाई और जब्बार भाई की भड़वागिरी करके एक एरिए का शियाना बन गया है, लेकिन मेरे लिए आज भी तू दारू के एक स्मॉल पैक के बराबर है। तू अभी बुड्ढा हो गया, जिसे तू दारू का स्मॉल पैक बोल रहा ना, वो तेजाब का पाठी है। तेजाब यानी एसिड। एसिड क्या होता है अब भी समझाऊंगा तुझे। राजा
मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम सबसे लड़के मैं जीत नहीं सकता, मगर मुझे मारने से पहले जरा सोचो कि मैंने इन दोनों को क्यों मारा। ये जो आज तुम लोग मिलकर मुझे मारने के लिए आए हो ना, यही मैं चाहता था। मैं चाहता था कि हम सब एक हो जाए, इसीलिए मैंने इन्हें यहां बुलाया था समझौता करने के लिए, इन्हें मारने के लिए नहीं। मगर इन दोनों के झूठे घमंड और अकड़ की वजह से समझौता नहीं हो सका। जानते हो, अगर मैं इन्हें नहीं मार देता तो क्या हो जाता? तुम सब आपस में लड़कर मर जाते, कोई भी नहीं बचता। इनके लिए हमारी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है, कोई इज्जत नहीं। अपना घर भरने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, अपनी गर्दन को ऊपर रखने के लिए ये हमारी जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि इन्हें मारकर मैंने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, तो आओ मार दो मुझे। फैसला तुम सबके हाथ में है। आज से हम लोगों का क्या होगा भाई? आज से तुम हमारे भाई हो। नहीं, मैंने इन दोनों को इसलिए नहीं मारा कि मैं या और कोई तुम्हारा भाई बने। मैंने तो सिर्फ ये गैंग वॉर, ये खून खराबा खत्म करने के लिए मारा है। देखो, जीने के लिए या पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए सिर्फ गुनाह का रास्ता ही नहीं है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। आज से तुम सब आजाद हो, जाओ। बरसों से जमीन खा गए है कितने नौजवान, मिलते नहीं हैं आज दिन के पांव के निशान। जीने का नया ढंग निकालो जाएगा जहां, दुनिया